जब बीजीएमए में उसमें क्या क्या हुआ था उस पर भी आऊंगा, एक एक चीज का ब्रेकडाउन मिलेगा। हम लोग गटका और हॉस्पिटल के स्प्लिट पे उतरे बिकॉज वी वर 110% श्योर कि ड्रॉप फाइट होगी, एवरीबॉडी न्यू ऑन द वेन्यू कि ये टारगेट होने वाला है। अब बात आती है कि हमने गॉडलाइक को ही मारा है भाई, जो सबको पता है क्या हो रहा था, पूरी कम्युनिटी को दिख रहा था, ठीक है, सामने से भी एलएच किया गया था कि गॉडलाइक एंड टीम टू, मैं नाम नहीं लूंगा, एवरीबॉडी नोज दैट गॉडलाइक एंड टीम टू मिल के एक टीम को पूरा जोर लगा के रोक रही है, वो दिख रहा है, वो वेन्यू में सबको पता है, 16 की 16 टीमों को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब उन पे एलिगेशंस लगते हैं तो मांगा जाता है प्रूफ, बट भैया जी कुछ भी आ गया, भैया जी तो चलो मैं हूँ, नहीं हो भाई आते हैं बिना किसी प्रूफ के एलिगेशन लगा के जाते हैं। हाँ, जो मैसेज आया है इन गेम कि भैया ऐसे ऐसे आपको टारगेट किया जा रहा है, इट्स द वर्ड टारगेट नॉट टीम अप। इधर से आप कह रहे हो कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सोल और ग्लोबली स्पोर्ट्स केम आउट ऑफ द सिलेबस, और स्टोरी पे आप लिख रहे हो कि देख लो जी मैच शुरू होने से पहले ही पता लग गया था, आने दे। तो भाई एक चीज बोल लो, या तो तैयार थे या नहीं थे, एक चीज। दूसरी चीज बोली जा रही है कि मायावी से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो जा जाके टीम्स को बोलेगा कि वो टारगेट करेगा, वो थर्ड पार्टी करने आएगा। मैं क्यों ना करूं, एक ही दिन का फाइनल है, 6 दिन के मैचेस हैं, 200% पता है कि सोल गॉडलाइक को टारगेट करेगा ही करेगा, क्योंकि गॉडलाइक और टीम टू ने पूरी जोर लगाई है कि सोल क्वालिफाई ना करे। अब वो टीम अगर क्वालिफाई कर जाएगी तो डेफिनेटली वो तो 6 के 6 मैच टारगेट करेगी, और बीइंग अ कॉम्पिटिटर हमारा फर्ज बनता है वहां पे थर्ड पार्टी करने का। मैं तो अभी भी करूंगा, आगे भी ये चीज होगी, मैं तो तब भी करूंगा, नंबर वन थिंग। अब हम चलेंगे ब्रेक डाउन की तरफ कि पहले मैच में क्या हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट की, जो थर्ड पार्टी हमें करनी है या नहीं करनी। मैच वन वी वेंट टू यस ना, वी प्लेड अ नॉर्मल गेम, नेशनल गेम, एंड एवरीथिंग वाज गुड। मैच नंबर टू, जब बीजीएमएस में क्या क्या हुआ था उस पर भी आऊंगा, एक एक चीज का ब्रेकडाउन मिलेगा। हम लोग गटका और हॉस्पिटल के स्प्लिट पे उतरे बिकॉज वी वर 110% श्योर कि ड्रॉप फाइट होगी, एवरीबॉडी न्यू ऑन द वेन्यू कि ये टारगेट होने वाला है। अब बात आती है कि हमने गॉडलाइक को ही मारा है भाई, जो दिखेगा उसको थर्ड पार्टी करेंगे ना, और थर्ड पार्टी करना कब से गलत हो गया। आई हैड अ वर्ड विद सलमान एनिग्मा के जो कोच है, हासियंडा पे भी अगर ड्रॉप फाइट होती तो देवर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि सेंट मार्टिन हासियंडा वो भी थर्ड पार्टी करेंगे। दो टीमें लगातार इतनी इतनी ड्रॉप फाइट्स 200% श्योरिटी के साथ करेगी तो बाकी टीम्स तो भाई करेंगी ना यार थर्ड पार्टी, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं तो कास्टिंग भी सुन रहा था, इवन कास्टर सेड कि इतना श्योर्ड अगर ड्रॉप फाइट है तो कोई थर्ड पार्टी क्यों नहीं कर रहा। चलो भाई हम तो छोटे हैं, हमारे पास तो कोई फैन बेस है नहीं, तो सामने से कोई भी कुछ बोल जाए और आके उसको आप लोग आराम से मान जाओ। भाई ने बोल दिया कि रिपोर्ट करो, चलो जी रिपोर्ट। भैया ने बोल दिया कि यूट्यूब उड़ा दो, भैया ने बोल दिया जो करना है करो उनके साथ, तो आ रही है थ्रेट्स भी आ रही है, घरों के नीचे भी पहुंच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ओके, जब आप कम्युनिटी में नए थे ना, आपके ऊपर कोई नहीं था जो आपको दबा सकता है, आप लोग नहीं थे, आप लोग ऊपर गए हो, ठीक है। अब आपके पास नंबर्स है, उसको मिसयूज नहीं करो। न्यू कमर्स को सपोर्ट करना आपके नंबर्स का फर्ज है, उसको निभा लो। और अगर सपोर्ट कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आउट ऑफ द बॉक्स का सपोर्ट इन गेम भी मिलता है।